सलाम वालेकुम। देखो इसे ये स्प्लिट एसी के इंडोर, इसमें इंडोर आउटडोर दोनों लगा है मैंने। ये मतलब ये आउटडोर, ये लाइट दिया है मतलब सोचो ये आउटडोर, ओके ये इंडोर। अभी इंडोर से आउटडोर में सप्लाई लाइन कैसे जाएगा, इंडोर से फेज न्यूट्रल कॉमन करके ऊपर चले जाएगा। ऊपर जाके ये मैग्नेटिक कंडक्टर इसके जरिए फेज कंट्रोल करेगा, ओके। और न्यूट्रल तो कॉमन करके दे देगा, न्यूट्रल अर्थ हमेशा कॉमन होता है, कॉमन करके डायरेक्ट कनेक्शन कर, कॉमन का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। तो देखो ये फेज इनपुट न्यूट्रल इनपुट, तो न्यूट्रल इसके आउटडोर के लिए न्यूट्रल इधर से अंदर से कॉमन करके दिया हमारा मेरा ये आउटडोर के लिए फेज इधर कॉमन किया, इधर इधर कॉमन कर ये आउटडोर में चला गया। ये मतलब ये आउटडोर, ये इंडोर का पावर है, ओके ये वायर। और ये का न्यूट्रल में इधर से कंपनी इधर अंदर से कॉमन करके दिया, ये दोनों ये मतलब न्यूट्रल मैं इधर से लगाया कनेक्शन, ये इधर से नहीं तो इधर इधर भी कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब आउटडोर में इंडोर से फेज न्यूट्रल कॉमन करके आउटडोर में चला जाएगा। फिर ये सीपी है, इसमें जब सीपी कनेक्शन होगा सप्लाई होगा सीपी, ये भी फेज है। अभी न्यूट्रल कॉमन कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया इधर, ये कंप्रेसर मानो सोचा ये कंप्रेसर आउटडोर का कंप्रेसर, इसके लिए न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ये मैग्नेटिक कंडक्टर ये चलाने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए, ये न्यूट्रल कॉमन कर दिया। अभी इसके फेज आ गया ये आउट इंडोर से, ये सीपी का मतलब कंप्रेसर पावर, ये इसको सीपी बोलता है। जब इसमें फेज आएगा फिर ये मैग्नेटिक कंडक्टर चालू होगा, फिर आउटडोर छोड़ेगा। मतलब ये इधर भी अभी बिजली आ गया, क्यों मैं इंडोर से फेज न्यूट्रल दोनों कॉमन करके आउटडोर में आउटडोर के लिए लेके आया, अभी इधर आके रुक गया। जब ये मैग्नेटिक कंडक्टर चालू इधर फिर इधर से इधर पास होगा सर, ये मैग्नेटिक कंडक्टर के जरिए ये आउटडोर से इंडोर से आउटडोर कंट्रोल होता है ऑटोमेटिक जब, ओके। अभी चालू करके दिखाएगा, अभी इंडोर चालू करेगा, बस देखो चालू हो गया, देखो अभी चालू हो गया, देखो अभी मेरा आउटडोर भी चालू हो गया। इधर सीपी आ गया, देखो इधर सीपी आ गया, इसीलिए आउटडोर चालू हो गया। जब सीपी जब रूम टेम्परेचर कमती हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर ये सेंसर रूम सेंसर ये ट्यूब सेंसर इसके ज़रिए या ये जो रिले है रिले ये रिले का इनपुट ये रिले का इनपुट फेज आउटपुट। जब ये रिले आउटपुट देना बंद कर देगा, मतलब ये सीपी कनेक्शन बंद कर देगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर आउटडोर ऑफ हो जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिक ऑफ ऑन होता है इसके ज़रिए, ये रिले के ज़रिए, ओके। ये रिले की मदद से ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ ऑन होता है, इसके मदद से आउटडोर ऑफ ऑन होता है, ओके। और इसको कमांड करता है ये सेंसर, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंसर इस्तेमाल होता है। ये सीरीज कनेक्शन किया हुआ था, ये दो सेंसर है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन, जो टेक्नीशियन वो लोगों को मालूम है सीरीज कनेक्शन क्या होता है। जहाँ ये है मतलब, ओके इंडोर का काम इंडोर से आउटडोर कंट्रोल करता है बस ऐसे, ये सिस्टम से दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम तरीके इस्तेमाल करके इंडोर से आउटडोर कंट्रोल होता है, ओके। देखो न्यूट्रल फेज न्यूट्रल दोनों कॉमन करके मैं आउटडोर में के लिए लेके गया, दोबारा कह रहा है मैं न्यूट्रल कॉमन कर दिया आउटडोर का कंप्रेसर पैन के लिए, सोचो ये मैग्नेटिक कंडक्टर चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए। रिप सीपी है, जब सीपी बंद होगा ये आउटडोर बंद हो जाएगा, देखो अभी सीपी बंद हो गया, ये ऑफ हो गया। अभी इधर से इधर बिजली भी फास्ट नहीं हो रहा है, इधर से इधर बिजली फास्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी आउटडोर बंद हो गया, ओके। इसको का सीपी कनेक्शन कौन देगा, सप्लाई कौन देगा, ये रिले, ओके ये रिले सीपी का सप्लाई देगा, फेस सप्लाई देगा। देखो अभी इधर फेस है, इधर नहीं है। फिर जब अभी टाइम लगेगा, ये इंडोर चालू करने के बाद 4-5 मिनट टाइम लगता है, जब सीपी का सप्लाई होगा इधर से फेस इधर, ये रिले जब इधर से इधर फेस फास्ट करेगा, फिर इधर आएगा, देखो काला वायर इधर आया, इधर से फिर इधर आएगा, ये सीपी इधर आया आउटडोर के लिए आया, ये मैग्नेटिक कंडक्टर का फेस, फिर ये चालू होगा। तो ये सिस्टम से ये इंडोर आउटडोर काम करता है, ओके।